बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब लोक जनशक्ति पार्टी की एनडीए में वापसी मुश्किल है। हालांकि चुनाव के दौरान एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान काफी चर्चा में रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव में फ्लॉप शो के बाद अब आगे की उनकी राह आसान नहीं होगी। एलजेपी इस चुनाव में सिर्फ एक सीट जीती है और कई सीटों पर जेडीयू को हराने में अहम भूमिका निभाई है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रधानमंत्री मोदी की जीत बताया है। एलजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 140 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और उसे 5.68% वोट मिले हैं। इस चुनाव में जेडीयू का वोट शेयर भी कुछ बढ़ा है। चुनाव के नतीजे आने के बाद चिराग पासवान ने ट्वीट किया कि उन्हें गर्व है कि उनकी पार्टी सत्ता के लिए झुकी नहीं। उन्होंने कहा, लोजपा के सभी उम्मीदवारों ने अपने दम पर बिना किसी गठबंधन के संघर्ष किया। पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, इससे पार्टी को भविष्य में फायदा होगा, लेकिन अब एलजेपी एनडीए में शायद ही वापसी कर पाएगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में एलजेपी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार मैथानी विधानसभा सीट पर राजकुमार सिंह की जीत के अलावा पार्टी के हिस्से में और कोई सीट नहीं आई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।